संरचना। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। किसानों की परेशानी को देखते हुए तहसीलदार ने व्यापारियों को फसल खरीदी के दिए निर्देश। तहसीलदार ने ली बैठक। कृषि उपज मंडी बड़ौदा के व्यापारियों को खरीदी के लिए दिए निर्देश। श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील पर कृषि उपज मंडी में आज मीटिंग रखी गई, जिसमें तहसीलदार शिवराज मीणा एवं मंडी कर्मचारी व्यापारी एवं किसान उपस्थित हुए। तहसीलदार ने बताया कि किसानों की खरीदी शीघ्र चालू की जाएगी और सोशल डिस्टेंस का पालन हो उसी के अनुरूप सोशल डिस्टेंशन का पालन रखने के लिए व्यापारी एवं मंडी कर्मचारी को बताया गया। कल दिनांक 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है फसल खरीदी में अधिक ध्यान सोशल डिस्टेंस को लेकर दिए गए हैं ताकि लॉकडाउन का पालन हो सके। साथ ही बताया गया कि टोकन के माध्यम से खरीदी कार्य किया जाएगा। बाइक रखी गई थी, और किस विषय को लेकर रखी? मंडी को चालू करने के लिए। कब से शुरू हो रही है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से चालू हो रही है टोकन दी गई। अभी प्रशासन द्वारा मीटिंग ली गई थी, लिया गया है किसानों की 25 ट्रॉली पड़े अलाउ करने के लिए, जो सुबह 12 बजे उसका ऑक्शन होगा और रात को 10 बजे तक लेवल काम करेगी। आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। ठीक। शासन स्तर से 15 अप्रैल से जो मंडियां हैं उनको शुरू करने का निर्णय लिया है, तो उसी क्रम में व्यापारियों की और किसानों की मीटिंग ली गई है, जिसमें उन्हें इतना माल मंगवाने के लिए कूपन जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि मंडी प्रांगण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और किसानों की उपज को खरीदा जा सके। जिन लोगों के पंजीयन हुए हैं वही लोगों की खरीदी जाएगी या दूसरों की? ये तो मंडी का जो वो है, मंडी की जो व्यवस्था है, मंडियों में जो जिनके पंजीयन नहीं है वो लोग भी लेके आएंगे, और जिनके पंजीयन है उनकी खरीदी के लिए साइलो केंद्र है, और जैसे चना सरसों की खरीदी के लिए भी यहाँ पे एक केंद्र बनाया गया है, तो वो निर्धारित केंद्र पर ही जो पंजीयन वाले हैं वो अपने निर्धारित केंद्र पर पहुँचेंगे। कब से शुरू हो गए ये? 15 अप्रैल से शुरू हो गया।